आज गंगा दशहरा के उपलक्ष में साहिबगंज के गंगा घाट पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं सिंहवाहिनी ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओर से गंगा दशहरा के मौके पर बनारस की तर्ज पर साहिबगंज के बिजली घाट में आज की शाम गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बनारस से 60 सदस्य टीम साहिबगंज पहुंच चुकी है। टीम में 11 पुरोहित, 11 शंखवादक, 21 डमरू वादक, 11 कन्याएं समेत अन्य लोग शामिल हैं। कार्यक्रम को लेकर बिजली घाट को दुल्हन की तरह सजाने सवारने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे इलाके को फूल और विद्युत लाइट से सजाया गया है। बिजली घाट से ग्रीन होटल मोड़ तक तथा बिजली घाट से सेंट जेवियर स्कूल के मोड़ तक सड़क सजाया गया है। संचालक समिति के सदस्य ने कुणाल जायसवाल ने बताया कि बनारस के तर्ज पर गंगा आरती किया जाएगा। हम लोग बनारस आ रहे हैं, हमारा नाम कुणाल है। यहाँ पे साहिबगंज में सिंह वाहिनी ट्रांसपोर्ट के जो मालिक है राजेश यादव जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पे संध्या में गंगा दशहरा के उपलक्ष पे जैसे काशी के घाट पे गंगा आरती होती है, उसी के तर्ज पे यहाँ पे साहिबगंज के बिजली घाट पे गंगा आरती का आयोजन किया गया है, जिसमें 11 ब्राह्मणों द्वारा गंगा आरती, 11 शंख वादन और 12 कन्याओं द्वारा रिद्धि सिद्धि और साथ ही में 21 डमरू वादन जो है कि आरती में सम्मिलित रहेंगे। उसके पूर्व माँ गंगा का एक भव्य पूजन होगा, जिसमें 108 माँ गंगा के नाम से उनका पूजन होगा और अर्चन होगा, जिसमें पुरोहित भी रहेंगे शामिल। और साथ ही में सुबह जो है कि माँ गंगा का अभिषेक है, रुद्राभिषेक है, जो कि ब्रह्म घाट पे होने को है। और संध्या में जो है कि वो प्रोग्राम जो होने को है गंगा आरती का पूरा कार्यक्रम, वो बनारस के तर्ज पे काशी के तर्ज पे होने को है। और साहिबगंज के जिला मतलब पूरा अनुमान लगाया गया है कि साहिबगंज जिला में जितने भी नागरिक है उस आरती को देख कर अपने जीवन को जो है कीर्तिमान बनाएं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।